इस वक्त मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और तमाम सियासी पार्टियां मुतहर्रिक हैं। इस हवाले से न्यूज़ पीएमसी ने आम आदमी से सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि अदम एतमाद की ये तहरीक वज़ीर आज़म के घर जाने का सबब बन सकती है। ये बिलावल के तो 24 घंटे भी ख़त्म हो गए, 10 दिन से निकला हुआ था। हुकूमत आज गई कल गई, किधर गई? हुकूमत तो वहीं है और इंशाल्लाह इस बार इनका अदम एतमाद नाकाम होने दें और इसके साथ इस बार खान साहब इनके साथ बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में ये सीट अपने खुद छोड़ के जाएगा। इसके जाने जैसा अब समझ गए क्या मिलेगा हमें? वही पुराना सिलसिले, महंगाई ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पीछे के रहने वाले के समझ गए उसके पीछे ही रोते रहते हैं कि अयूब खान बहुत अच्छा था, समझ गए उसके जाने के बाद परवेज मुशर्रफ बहुत अच्छा था, तो अगला हुक्मरान बहुत अच्छा था। कौन सा हुक्मरान अच्छा है? किसको हमने पीछे वाले को समझ गया आज बुरा कहा है? हम उसे अच्छा कहते हैं, आने वाले को बुरा कहते हैं। हमें बेशऊर, हमें शऊर ही नहीं, हमारी कौम को शऊर ही नहीं। आपने अपने अखराजात कम करने थे, आपने अपने वजीर और मुशीर कम रखने थे, ये आपके अल्फाज थे, मेरे प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज थे, मगर क्या वजह सब उसका उल्ट हुआ है? सबब बन सकता है, उसकी वजह यह है कि तहरीक अदम एतमाद की जो इन्होंने तहरीक पेश की है वो किसी बुनियाद पर तो पेश की है, कुछ तो है उनके पास ऐसा जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं, खाली हवाई बात तो नहीं कर रहे। अब वो फेल हो जाए बाद में वो बात दूसरी है। उनको अच्छे खासे वोट्स मिले हैं और उन पर ये कि तरीके अदम एतमाद है सबका, इस वजह से नहीं बन सकता। मुझे नहीं लगता हटा सकते हैं, और अगर हटा भी दें तो 1.5 साल में कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती, कोई चेंजेस नहीं ला सकती इस कंट्री के अंदर। इमरान खान आया अभी 3.5 साल हुए, अब इसको 1-1.5 साल की बात और है, इसको चांस दे दें और 1.5 साल के लिए क्यों पैनिक फैला रहे हैं? तहरीक अदम एतमाद जो है मेरे ख्याल से It's too early for this now.